दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक टॉक। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं कुछ बहुत ही कूल गैजेट्स की, उनके रिव्यूज की, फोन अनबॉक्सिंग की और भी बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों जिस प्रोडक्ट का रिव्यू हम आज करने वाले हैं वो है मी बैंड 3। दोस्तों ये एक फिटनेस बैंड है, ये एक वॉच की तरह से होता है जिनको आप अपनी कलाई पर लगाएंगे तो आपके वो कुछ हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर कर लेता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपके फोन से कनेक्ट होके आपको अपने फोन कंट्रोल का भी मौका देता है। जैसे आप किसी की कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप या मैसेजेस या कोई भी ऐप के नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आप अलार्म सेट कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देर नहीं करते हैं और करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो ये है दोस्तों मी बैंड 3 का बॉक्स। इसके आगे आपको एक ट्रांसपेरेंट सा लिड मिल जाता है। पीछे मिलते हैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस पे हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कलर, वाटर रेजिस्टेंस, बैटरी कैपेसिटी। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसकी बैटरी की। तो इसका बैटरी है 110 mAh, मतलब 110 लिथियम पॉलीमर की बैटरी है। और वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो 5 ATM प्रेशर तक का ये प्रेशर झेल सकता है, मतलब 50 मीटर तक की अगर आप स्विमिंग करेंगे या डाइविंग करते हैं तो ये बैंड खराब होने वाला नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की स्टिकर है जिसको हम उठाएंगे तो ये हमारा प्लास्टिक का लिड हट जाता है। ये है आपका मेन डिवाइस जिसको हम हटाएंगे। तो ये है दोस्तों आपका मेन डिवाइस और इसको हम रखते हैं साइड में। तो दोस्तों बात करते हैं हम इस ब्लैक स्ट्रैप की। ये ब्लैक एक सिलिकन स्ट्रैप है जिसकी बिल्ड क्वालिटी इसके पहले वर्जन से ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने पहले वर्जन यूज किया है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये ब्लैक कलर का बैंड नहीं पसंद है तो इसके और भी कलर वेरिएंट मी स्टोर पर अवेलेबल है। आई थिंक 199 rupees में आपको वो स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। तो इनकी बात करते हैं बाद में। और इसके फिर आपको दोस्तों मिलता है एक चार्जर, और ये छोटा सा चार्जर आप किसी भी पावर बैंक में या किसी भी अडेप्टर में लगा के आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन बात करते हैं इस डिवाइस की। तो इसको मैं निकाल देती हूँ दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका मेन डिवाइस। पीछे आपको मिलता है हार्ट रेट का सेंसर, जो कि यहाँ पे बटन प्रेस करने से या जब मैं इसको फोन से कनेक्ट करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसको करना है चार्ज तो यहाँ पे जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पे आपको इसको ऐसे सेट करना होगा। तो ये सेट करने से और आपको ये किसी अडेप्टर में लगाने से ये आपका डिवाइस चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस मेन डिवाइस की। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रैप निकाल देती हूँ। तो दोस्तों बात करें अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की तो इसके पुराने वर्जन से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतर है। और आपको पीछे हार्ट रेट सेंसर मिलता है, यहाँ पे मी का लोगो है और जो फ्रेंच इसमें इस बार रिजेस दे दिए गए हैं थोड़ी सी इसकी ग्रिपिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि मी बैंड 2 में ये शिकायत थी कि वो अपने स्ट्रैप से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता था, जिसकी शिकायत इस बार आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो दोस्तों लगाते हैं इसको इस स्ट्रैप में और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये हमारा डिवाइस स्ट्रैप में कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट करने के बाद इसको आपको अपने स्मार्टफोन से सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस प्ले स्टोर से जाके मी फिट का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद उसमें ऑन करना है ब्लूटूथ और आप अपने डिवाइस को फोन के पास ले जाते ही वो उससे हो जाएगा कनेक्ट। और कनेक्ट होने के बाद आपके इस डिवाइस के सारे डेटाज उस ऐप में स्टोर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको लगा के हाथ में इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो दोस्तों मी बैंड लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, और ये है आपका पूरा मी बैंड 3 स्ट्रैप में लगाने के बाद। देखने में दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसकी स्क्रीन 0.7 inches की OLED स्क्रीन है और ये जो साइड्स में आपको कर्व्स दिए हैं इस बार मी बैंड में Xiaomi की तरफ से, वो बहुत ही अच्छा एक अपग्रेडेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बटन दी हुई है, वो एक्चुअल में बटन नहीं है, इसमें एक टच स्क्रीन और स्क्रीन टच दोनों ही दिए हुए हैं। तो ये जो टच बटन है इस पे हम यहाँ पे करेंगे प्रेस तो ये आपका जो मी बैंड का स्क्रीन है वो हो जाएगा ऑन। तो आपके फर्स्ट लेआउट स्क्रीन पे आपको दोस्तों दिख जाता है डेट, डे और टाइम, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। ऊपर आपकी बैटरी का सिंबल है। तो दोस्तों सेकंड लेआउट में आपको दिख जाते हैं स्टेप्स, तो मैंने 94 steps अब तक चल चुके हैं। और आपको अगर इसकी सब कैटेगरीज में देखना है तो आपको करना होगा स्वाइप राइट और लेफ्ट। डिस्टेंस 59 meters। कैलोरीज मेरी अभी तक 2 burn हुई है। दोस्तों बैटरी है इसकी 9%।
तो दोस्तों तीसरे लेआउट में आपको मिल जाता है हार्ट रेट मेजर करने के लिए ये सेंसर। अगर आप यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके हार्ट रेट को करने लगेगा मेजर। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस टच पैनल पे बटन प्रेस किया है तो ये मेरे हार्ट रेट को कर रहा है मेजर, और देखते हैं कि ये मेरा हार्ट रेट क्या बताता है। तो दोस्तों कुछ ही देर में ये हार्ट रेट चेक कर लेगा और 102 बीट्स पर मिनट इसने रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हैं अपना हार्ट रेट मेजर तो इसी सेक्शन से आपको करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेदर है। दोस्तों इस बैंड का मुझे ये बहुत ही कूल फीचर लगता है कि आप अपने बैंड से 3 दिन के वेदर फोरकास्ट को देख सकते हैं। आप अगले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज दिख रहा है। दोस्तों स्क्रीन पे बटन टैप करने से तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद जितने भी आपके हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो आपके फोन में हो जाएंगे कंट्रोल। तो एक्सरसाइज करने से पहले इस बटन पे करना पड़ेगा आपको प्रेस। नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन। जिन ऐप्स को आपने अपने फोन में नोटिफिकेशन से ऑन कर रखा है उनकी नोटिफिकेशन आप अपने मी बैंड 3 पर देख सकते हैं। तो देखिए जिन जिन नोटिफिकेशन को ये दिखा रहा है ये सारे यहाँ पर हैं। नेक्स्ट लेआउट में दोस्तों देखते हैं मोर में क्या है। आपका पहला स्टॉप वॉच, अगर आप करना चाहते हैं अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट तो यहाँ पर प्रेस करें। ये स्टॉप वॉच इसने स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों लो बैटरी की वजह से ये ऐप शो कर रहा है, लेकिन आप अगर इसको रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर करें, और इसको कैंसिल या रीसेट करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर टैप करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों साइलेंट। आप इस बैंड की मदद से अपने फोन को कर सकते हैं साइलेंट, उसके लिए भी आपको बस यहाँ पर प्रेस करना है। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों फाइंड डिवाइस। ये भी एक बहुत ही कूल फीचर है। अगर आप अपने डिवाइस को कहीं रखकर भूल गए हैं और आपको ढूंढना है आपका फोन तो इस मी बैंड की मदद से आप अपने फोन को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये टैप करने को बोल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर करती हूँ टैप तो देखिए फाइंड डिवाइस पे मैंने किया टैप और मेरा फोन जहां भी होगा ये रिंग करने लगा। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, ये फोन देखिए आपका रिंग करने लगा है। तो आपने अगर अपना फोन रख के कहीं भूल गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैंड आपका आपके फोन ढूंढने में भी मदद करेगा। स्क्रीन दोस्तों आप इसकी मदद से अपने होम पेज का स्क्रीन लेआउट चेंज कर सकते हैं। इसमें आई थिंक 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये। इस तरह से आप अपने होम पेज का लेआउट भी इस बैंड की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मी बैंड 3 और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कूल, कुछ उसमें अपग्रेडेशंस किए हैं Xiaomi ने। तो ये है दोस्तों मी फिट का ऐप। इस ऐप पे आपको करना है क्लिक और थोड़ा सा आप स्लाइड नीचे करेंगे तो ये आपके बैंड से आपके सारे डेटा को कर लेगा सिंक्रोनाइज। तो ये दोस्तों दिखा रहा है स्टेप्स, 94 स्टेप्स में चल चुकी हूँ, 2 कैलोरीज मैंने बर्न किए हैं और 59 मीटर्स मैंने डिस्टेंस कवर की है। तो दोस्तों टैप टू लर्न मोर अबाउट माई बैंड 3। आप अगर यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको अपना बैंड कैसे ऑपरेट करना है यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसके बारे में हम दोस्तों पहले बात कर चुके हैं। नो स्लीप डेटा, आप के स्लीप डेटा को रिकॉर्ड करके ये आपको यहाँ पे शो करेगा। दोस्तों हार्ट रेट की बात करें तो अभी आप अपना हार्ट रेट मेजर करके ये यहाँ पे आपको डेटा स्टोर कर लेगा। वेट हाइट अपनी आप यहाँ प्रोफाइल में जाके नाम वेट हाइट यहाँ पर डेटा आप अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी गोल की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जाके आप अपने एक्टिविटी टारगेट्स रख सकते हैं कि आप दिन में 10,000 कदम चलना चाहते हैं, 9,000, 11,000 या जितने भी आप। तो मैंने दोस्तों 10,000 स्टेप्स को यहाँ पर सेट किया है। नीचे आते हैं दोस्तों तो वेट गोल, आप अपना वेट कितना करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं स्टेटस की, तो अब हम वर्कआउट के सेक्शन में जाएंगे। वर्कआउट में जब आप वर्कआउट स्टार्ट करें, चाहे आप आउटडोर रनिंग कर रहे हो, ट्रेडमिल पे हो, आउटडोर साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, तो आप कर देंगे इस बटन को टैप तो ये आपके एक्सरसाइज के टाइम होने वाले सारे आपके डेटास को कलेक्ट करके यहाँ पर स्टोर कर लेगा। तो दोस्तों हम इसमें जाते हैं मी बैंड 3 में जहाँ बैटरी दिखा रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो अनलॉक स्क्रीन का ऑप्शन देता है। आप इसकी मदद से अपने फ़ोन को यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इनकमिंग कॉल, आप अपने फ़ोन के इनकमिंग कॉल्स को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल अलर्ट, शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डेली अलर्ट्स, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सब टॉगल्स ऑन करके आपको अपने मी बैंड 3 पर सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। इवेंट रिमाइंडर, दोस्तों अगर आपको कोई इवेंट आपने याद करना है और आप चाहते हैं वो आपका मी बैंड 3 उसको शो करे तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं ऑन। अलार्म्स को दोस्तों अलार्म्स यहाँ से ऑन करने के लिए आप जब भी का अलार्म लगाएंगे वो आपके मी बैंड 3 पर शो होने लगेगा। ऐप में ऐप अलर्ट्स में दोस्तों आप जिस ऐप का नोटिफिकेशन अपने बैंड पर चाहते हैं आप उनको यहाँ से ऑन
कर सकते हैं। आपको यहाँ मैनेज एप्स में जाना है और ये आपको लिस्ट खोल देगा आपके एप्स की। आपको करना है टिक, जिन भी एप्स का आपको नोटिफिकेशन आपके मी बैंड 3 पर चाहिए उनको टिक करें और यहाँ पर आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम नीचे आएंगे इडल अलर्ट में। अगर आप एक घंटे से ज्यादा बैठे हुए हैं और आपने कोई भी वर्कआउट नहीं किया है तो आप इसको करें ऑन। ये आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको उठकर आप थोड़ी सी वॉकिंग कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको करना है इसको अनपेयर तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। डिस्प्ले सेटिंग्स ये दिखाता है कि आपके मी बैंड 3 पे कितने डिस्प्लेज हैं। आप पहला आपका वॉच फेस, स्टेटस, हार्ट रेट, वेदर, एक्सरसाइज, नोटिफिकेशंस, मोड, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास आपको मिलता है आपके एवरेज स्टेप्स, आपके टोटल किलोमीटर्स, आपके रीच, जो अब तक आपने कोई अपना गोल रीच किया है या नहीं, आप कितने किलोमीटर्स चल चुके हैं। तो ये दोस्तों मेरे पहले वाले बैंड का सिंक्रोनाइज हो चुका है तो इसमें वो डेटा है। दोस्तों मेरी तरफ से मी बैंड 3 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। और दोस्तों मैं इसको अगले 3-4 दिन यूज करने वाली हूँ, फिर उसके परफॉर्मेंस एनालिसिस को मैं देख के बता सकती हूँ कि ये कितना एक्यूरेट है, ये कितना प्रिसाइजली डेटाज लेता है। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहे, मैं अगले 3-4 दिनों में इसका एक वीडियो डाल दूंगी। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं मी बैंड 3 का इसके पुराने वर्जन से करूं कंपैरिजन तो अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कुछ सजेशन है तो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल दें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय।